आज हम आपको आतंकवाद पर सबसे बड़ा मजाक दिखाएंगे। आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कौन सा था? वो था 26/11 का आतंकवादी हमला। उसका मास्टरमाइंड कौन था? वो था हाफिज सईद, जो आज भी पाकिस्तान में सुरक्षित बैठा है। और अब हाफिज सईद का बेटा, जिसका नाम है तलहा सईद, वो पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ रहा है और अगर जीत गया तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पहुंच जाएगा। हाफिज सईद भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहा है, वहां की खास पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। यानी हाफिज सईद ने तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान की राजनीति में प्रवेश करेगा। अब देखिए मजाक क्या है। अमेरिकी सरकार अपने वेबसाइट पर साफ साफ ये लिखती है कि कोई भी व्यक्ति जो हाफिज सईद के बारे में जानकारी देगा उसे वो $10 million का इनाम देंगे। आज मैं उस वेबसाइट पर गया, मैंने उसे क्लिक किया और उसमें लिखा था कि हाफिज सईद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और आप हमें उसके बारे में कोई भी टिप दीजिए, कोई भी जानकारी दीजिए, कोई टिप ऑफ दीजिए। और उसमें सारे ऑप्शंस लिखे हैं। अब आप सोचिए, अगर मैं ये जानता हूं कि हाफिज सईद कहां है, अगर पूरी दुनिया ये जानती है कि उसका बेटा तलहा सईद चुनाव लड़ रहा है, तो पाकिस्तान कैसे दुनिया से झूठ बोल सकता है? भारत ने आज पाकिस्तान से औपचारिक रूप से यह कहा है कि वो हाफिज सईद को भारत को सौंप दे और हाफिज सईद की असली जगह भारत की जेलों में है। क्या अमेरिका भारत की मदद करेगा? अमेरिका पन्नू जैसे आतंकवादियों की जान की तो बहुत चिंता करता है, लेकिन अमेरिका अभी तक हाफिज सईद के बारे में पता नहीं लगा पाया। आज ये सबसे बड़ा मजाक आतंकवाद पर हम आपके सामने एक्सपोज करेंगे। इसके बाद आपको राम मंदिर लेकर चलेंगे और राम मंदिर से कुछ अनदेखी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद आपने अभी तक ना सुनी होंगी और ना देखी होंगी। और आखिर में तेलंगाना में आजकल ट्रैफिक के चालान्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। और क्या आप जानते हैं, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में यह लिखा कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम ट्रैफिक चालान जिन लोगों के हुए हैं उन्हें भारी डिस्काउंट देंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने का एक नया तरीका बाकी पार्टियों को दिखा दिया है। अब सोचिए, एक पार्टी कहती है कि अगर हम आए तो ट्रैफिक चालान में आपको डिस्काउंट देंगे, अगर दूसरी पार्टी ने अगली बार यह कह दिया कि हम ट्रैफिक चालान ही बंद कर देंगे तो उस पार्टी का जीतना तो निश्चित है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में, आज तक पर।